नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव और आप देख रहे हैं खबरों में आज। खबरों में आज के इस खास कार्यक्रम में हम पंजाब हरियाणा और हिमाचल में मौजूद हमारे संवाददाताओं का रुख करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे इन तीनों ही राज्यों की वो अहम खबरें जिन पर दिन भर रहेगी नजर और साथ ही अब तक की कुछ और खबरों को विस्तार से जानेंगे। चलिए सबसे पहले रुख कर लेते हैं अपने संवाददाताओं का। पंजाब की खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता नेहा शर्मा, हरियाणा की खबरों के लिए महेंद्र और साथ ही हिमाचल की खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। तो चलिए नेहा, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे पंजाब में क्या है खबरों में आज। देखिये रीना, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की जो राजनीति है वो हर गुजरते दिन के साथ साथ बदल रही है। सोफोलॉजिस्ट या जो भी एनालिसिस हैं, कोई भी फाइनल से नहीं कह पा रहा है कि पंजाब इलेक्शंस में क्या कुछ होगा। और जहां तमाम पार्टियां रीना जो व्यस्त हैं कि रणनीति क्या होगी इलेक्शंस की, तो वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो एक नहीं बल्कि काफी गुटों में जो है वो बटी हुई जो है वो नजर आ रही है। और आज जो सुचा सिंह छोटेपुर हैं वो अपना वजूद पहचानने की कोशिश में आज एक परिवर्तन रैली जो है वो करने जा रहे हैं, परिवर्तन यात्रा जो है वो शुरू करने वाले हैं गुरदासपुर से। और इसमें जो है वो तमाम पंजाब के लोगों से जो है बातचीत करेंगे, उनसे जो है उनके व्यूज लेंगे कि वो क्या चाहते हैं। और उसके बाद जो है तकरीबन जो है 4 दिन तक की यात्रा जो है वो चलेगी। और उसके बाद रीना ये ऐलान किया जाएगा कि उनकी अगली रणनीति क्या होगी, क्या वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या तीसरे या चौथे फ्रंट के साथ जाएंगे, या सुचा सिंह छोटेपुर की अगली रणनीति जो है वो क्या कुछ होगी। तो ये यात्रा जो है उसके ऊपर निगाहें जो है वो जरूर बनी रहेंगी, क्योंकि इसके बाद जो है कुछ और रणनीति जो परिस्थितियां हैं वो सामने आ सकती हैं कि पंजाब में अब आगे कुछ क्या होगा, तो इसके ऊपर खासकर नजर जो है वो बनी रहेगी रीना। और अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से कल जो है आम आदमी पार्टी के तकरीबन 80 जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी से। और आज जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं कि आज क्या कुछ होगा, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी नजर बनी रहेगी रीना, क्योंकि जो इल्जाम कल लगाए गए हैं कि बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में, और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी उसमें भी जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई है। तो आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बताया जाएगा कि उनके क्या ग्रीवियंसेस थे और उन्होंने क्यों इस्तीफा जो है वो दिया है। और अगर तीसरी खबर की बात करें तो पंजाब कांग्रेस से आ रही है रीना, जिस तरीके से कल जो है हंसराज हंस जो है उनकी तरफ से काफी ज्यादा जो है अपनी नाखुशी जो है वो व्यक्त की गई है। और हालांकि कांग्रेस का यही कहना है कि कांग्रेस जो है वो काफी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर किसी को अपना विचार रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन लाजमी तौर से जो आम सियासी पार्टियां हैं, सभी सियासी पार्टियां हैं, वो अपने रिएक्शन जरूर देंगी इस पूरे मुद्दे के ऊपर कि पंजाब कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है और कल जिस तरीके से रिएक्शन आए हैं तो इसके ऊपर नजर जो है वो बनी रहेगी रीना। और अगर चौथी खबर की बात करें रीना, तो आज पंजाब इलेक्शन कमीशन के जो सीईओ हैं वीके सिंह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आगे जो है क्या कुछ वोटर लिस्ट में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए या जो भी आगे की पूरी प्रॉपर क्या कुछ होना चाहिए उसके ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उसके ऊपर निगाहें बनी रहेंगी क्योंकि जो है इलेक्शंस अंडरवे हैं और सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाना है, तो एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और अगर हल्के विच कैप्टन पंजाब कांग्रेस की कैंपेन की बात करें तो उसके तहत जो है आज कैप्टन अमरिंदर सिंह बठिंडा में होंगे और साथ ही साथ फरीदकोट में भी होंगे। तो तमाम जो परिस्थितियां पंजाब में बन रही हैं उसके ऊपर निगाहें जो है वो बनी रहेंगी और काफी ज्यादा हलचल वाला दिन जरूर रहने वाला है। जी चलिए, तो पंजाब में काफी हलचल वाला दिन रहने वाला है, काफी राजनीतिक सरगर्मियां यहां पर देखने को मिलेगी। हरियाणा का रुख करते हैं और महेंद्र आपसे जाना चाहेंगे, हरियाणा की बात की जाए तो क्या कुछ आज खास देखने को मिल सकता है, कौन सी वो खबरें जो सुर्खियों में रहेंगी? जी रीना, हरियाणा की बात करें तो सबसे पहले नजर चंडीगढ़ पर बनी रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में है और आज मंगलवार का दिन है। जिस तरीके से हर मंगलवार के मंगलवार अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक होती है, हो सकता है कि आज भी कैबिनेट की बैठक हो, नजर बनी रहेगी कि बैठक होती भी है या नहीं होती है, और होती है तो इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है। हालांकि 8 तारीख को ऑफिशियल कैबिनेट की बैठक होनी है, उसका टाइम पहले ही दे दिया गया है, तो नजर बनी रहेगी आज के घटनाक्रम के ऊपर। दूसरी खबर की बात की जाए तो आज हरियाणा में जो सरकारी अस्पताल
अस्पतालों के डॉक्टर हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं इससे बाधित नहीं होंगी। डॉक्टरों का ये कहना है कि 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 कर दी जाए, तो उनके ऐलान के बावजूद अब तक ऐसा नहीं किया गया है। साथ ही हरियाणा में 3200 से ज्यादा जो डॉक्टर्स के पद हैं उनको स्वीकृति मिली थी, लेकिन सिर्फ 1600 पद ही भरे गए हैं। कई सीएचसी और पीएचसी ऐसी हैं जहां पर डॉक्टर हैं ही नहीं। तो इन तमाम चीजों को लेकर, तमाम मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल 2 घंटे की रखी गई है। 11 तारीख को हरियाणा डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से करनाल में एक बैठक की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति का ऐलान डॉक्टरों की तरफ से किया जाएगा। तो इस खबर पर भी नजर बनी रहेगी। अगली खबर की बात की जाए तो हरियाणा में रैलियों की सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है। 25 सितंबर को रैली होने जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के ताऊ देवीलाल के जन्मदिवस के मौके पर सम्मान समारोह हमेशा किया जाता है। इस बार इसे सद्भावना सम्मेलन का नाम दिया गया है। इसको लेकर जो इनेलो के नेता हैं अभय सिंह चौटाला और अशोक अरोड़ा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से लगातार कार्यकर्ताओं की अलग अलग जिलों में बैठक की जा रही है। आज जींद, कैथल और फतेहाबाद में कार्यकर्ताओं की बैठक की जाएगी। रैली का न्योता भी दिया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को भीड़ जुटाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। नजर इस पर बनी रहेगी। वहीं 11 सितंबर को रैली होनी है जींद में। चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से ये रैली की जानी है केंद्रीय इस्पात मंत्री की ओर से, और इसमें 2 लाख की भीड़ जुटाने की बात कही जा रही है। तो उनकी ओर से भी अलग अलग जिलों में जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है। रैली में भीड़ जुटाने का न्योता भी दिया जा रहा है और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो रैलियों की सियासत के ऊपर नजर बनी रहेगी। साथ ही नजर बनी रहेगी जो हरियाणा में इन दिनों एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर सीबीआई की कार्रवाई को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है, उस पर नजर बनी रहेगी। चाहे बीरेंद्र सिंह हो, वो अपनी रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं, अभय सिंह चौटाला हो, अपनी रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके निशाने पर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहते हैं। अभय सिंह चौटाला ने कल कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो जेल में पहुंचाकर ही दम लेंगे, तो वहीं बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि हुड्डा शासनकाल के पूरे 10 साल के कार्यकाल में जितने भी सीएलयू हुए हैं या जमीन के मामले हुए उन तमाम की जांच होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि वो गीदड़ भपकियों से नहीं डरते, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हुड्डा की स्थिति ऐसी है कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इन बयानबाजियों का जो दौर जारी है इस पर भी नजर बनी रहेगी। तो हरियाणा में ये तमाम घटनाक्रम है जिन पर आज दिन भर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, नजर रखेंगे। चलिए हरियाणा के बाद रुख करते हैं हिमाचल का। शिमला से हमारे साथ मौजूद हैं मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, जानना चाहेंगे हिमाचल की वो खबरें जो वहां का पारा बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल, देखिए हिमाचल की जो खबरें हैं रीना, सबसे पहले कल जो कैबिनेट हुई है उसमें जो 2 मुद्दे हैं खास तौर पर, एक की एपीएल परिवार जो दूर दराज के इलाके में है उनको 35 किलो राशन देना, और दूसरा जो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके जो प्रभावित परिवार हैं उनको 100 बिजली मुफ्त यूनिट जो है वो देना। तो ये खबरें जो हैं ये क्या सियासी मायने रखती हैं, और ये जो फैसले लिए गए हैं क्या ये चुनावी साल से पहले के फैसले यानी लोगों को लुभाने के फैसले हैं? तो सरकार जो है इस तरह के फैसले जो ले रही है कि कैबिनेट, जिनको कैबिनेट में ले जाया जा रहा है, तो इस पर हमारी नजर रहेगी कि क्या बाकी ये इंप्लीमेंट होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि बजट सेशन से जो पहले के फैसले लिए गए थे कैबिनेट द्वारा वो भी अभी तक इंप्लीमेंट जो है वो नहीं लिए, यानी सरकार फैसला ले लेती है लेकिन अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं इन फैसलों को लागू करने में। तो क्या ये तमाम फैसले जो 2 फैसलों समेत अन्य जो फैसले लिए गए हैं क्या ये समय रहते इंप्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, या इस पर जो है कोई जिस तरह से प्रशासनिक कभी कभी जो फुल स्टॉप लग जाता है, तो ऐसे में कहीं ये भी ये तो नहीं होगा इस बार भी रिपीट तो नहीं होगा, तो इस पर हमारी नजर रहेगी कि अधिकारी जो है अब इस बाबत क्या करेंगे। इसके अलावा सेब की अगर बात कर ली जाए एक बार फिर से, तो 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आर्थिकी जो है वो राज्य की सेब से ही है, और रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसको आर्थिकी को। तो ऐसे में अब यहां पर बीजेपी इस मुद्दे को सामने लेकर आ रही है, सरकार को इस बाबत जो है घेरने की कोशिश कर रही है कि सेब सीजन जो रहा जुलाई और अगस्त में खासतौर पर जो पीक सीजन रहता है सेब का, उसमें सरकार विफल हुई है बागवानों के सेब सही समय पर मंडियों में पहुंचाने के लिए, सड़कों को दुरुस्त करने के लिए जहां पर सेब उत्पादित इलाके हैं वहां पर जो लिंक रोड्स हैं उनकी हालत खस्ता है, बागवान गुहार लगाते रहे लेकिन सरकार का इस बाबत कोई ध्यान नहीं गया। राजनीति जरूर हुई, बयानबाजी जरूर हुई, दावे जरूर हुए, लेकिन ये जो है इस पर सरकार बैकफुट पे रही। और ये जो मसला है बीजेपी ये कह रही है कि सरकार
कम से कम ऊपरी हिमाचल जहां पर सेब उत्पादित इलाके हैं वहां से जो है उसको जनता जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगी, बागवान जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरकार पलटवार कर रही है कि बीजेपी जो है वो डर्टी पॉलिटिक्स ना खेले इस मसले पर, क्योंकि सरकार ने इस बार कम से कम सेब सीजन में जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त किया, बागवानों की सहूलियत के लिए सब्जी मंडियों में जो है अपने अधिकारी जो है वहां पर तैनात किए गए थे, और ये तमाम दावे जो है ये चल रहे हैं, ये सियासत इस पर गरमा रही है आरोप प्रत्यारोप को लेकर के। तो इसके लिए जो है आज बीजेपी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जो पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शिमला में, उसके बाद कांग्रेस जो है निश्चित रूप से उसका रिएक्शन भी सामने आएगा। इसके अलावा जो स्पेशल ओलंपिक्स जो रहती है यानी खास बच्चों के लिए जो अक्षम होते हैं बच्चे उनके लिए स्पेशल ओलंपिक्स रहती है, ये पिछले साल हुई थी यूएसए में, और वहां से जो बच्चे जो भाग लेने आए थे उनके अभिभावकों का कहीं ना कहीं गुस्सा है सरकार के प्रति, वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जो उन्हें उनके उनको सुविधाओं के नाम पर या फिर जो वायदे किए गए थे उनके उसके नाम पर जो है वो वायदे पूरे नहीं किए गए हैं, और ठगे महसूस करते हैं अभिभावक भी और वो बच्चे भी जो खास बच्चे हैं अक्षम बच्चे हैं और जो इस तरह की एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उसमें जिन्होंने भाग लिया। मौसम की बात कर ले तो यहां पर अभी सूर्यदेव ने दर्शन दिए हैं, लेकिन तीन दिन पहले से जो है तापमान में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है, और इस बाबत जो है 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर जो है लगातार अब डाउन जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अब सुबह और शाम के समय सर्दी का एहसास होने लगा है लोगों को, और इस बाबत जिस तरह से पहले गर्म कपड़े जो है वो लोगों ने निकाल लिए हैं, और ऐसे में एक वेदर चेंज जो है बहुत बड़ा वेदर चेंज जो है वो आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। चलिए बात हो गई पंजाब हरियाणा और हिमाचल की अहम खबरों की जिन पर दिन भर रहेगी नजर। नेहा आपका, महेंद्र आपका और मोहित आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।